मंदसौर के भानपुरा में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने सूचना के आधार पर राजस्थान के सुनेल से आए एक शख्स को पकड़ा, जिसके पास 500 ग्राम माफ कीजिएगा स्मैक जब्त की गई। स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये 500 ग्राम की जो कार्रवाई की गई है स्मैक की, ये कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब, श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मयंक तारणेकर सर और SDOP गरोड़ श्री फूल सिंह परत्ते साहब के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई बोरदा फंटे पर एक आदमी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सुनेल तरफ से एक आदमी स्मैक लेकर जाएगा ओमनी वैन गाड़ी में। उसी मुखबिर की सूचना को विश्वसनीय मानते हुए वहां मेरे द्वारा OP शेखावत साहब को मार्गदर्शित किया गया। वहां उन्होंने जाकर नाकाबंदी की, थोड़ी देर बाद ओमनी वैन आके दिखाई दी तो उन्होंने उसको रोक के उसकी तलाशी ली तो उसमें 500 ग्राम स्मैक थी। और उससे उससे उसका नाम वगैरह पूछा तो उसने अपना लालचंद नाम बताया, लालचंद उर्फ लाला, उर्फ लाला उर्फ अपना उसका निवासी है कलोजिया, कलोजिया ग्राम है, थाना सुनेल झालावाड़ का रहने वाला है। उससे और अलग से पूछताछ की जाएगी और जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि वो एक्चुअली वो माल कहाँ से ले जा रहा था या अपने पास से ले जा रहा था, किसको देने जा रहा था। फिलहाल उसको न्यायालय पेश किया जा करके उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा, उसके दौरान पूछताछ की बाद स्पष्ट हो पाएगा कहाँ माल ले जा रहा था।